दोस्तों गदर 2 की फिल्म के शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा होने लगा जिसे देखकर हमारे सोनीपा जी भी बहुत ज्यादा खुशी हो गए और खुशी से केक भी कटने लगे। दोस्तों क्या है इस खुशी के पीछे के कारण, आइए हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा गदर 2 फिल्म के साथ एक नया ब्रांड को भी जोड़ा गया है जिसका नाम है इंदौर फिजिकल एकेडमी। दोस्तों इस मूवी में हमारे सर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, तो हमारे सर भी इस मूवी के शूटिंग लोकेशन पर जब आए हुए थे, जितने भी लोग आए थे शूटिंग देखने के लिए वे सभी लोग हमारे सर के साथ भी फोटो खिंचवाने लगे। वहाँ धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ पल के लिए तो हमें भी ऐसा लगने लगा कि हमारे सर ही इस मूवी की हीरो हैं, यानी सोनीपा जी हैं, जिससे मूवी की लेवल सातवें आसमान में चले जाते हुए दिखाई दे रही थी। इसे देखकर हमारे सोनीपा जी बहुत ज्यादा खुश हो गए और हमें भी कुछ पल के लिए बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारे सर के साथ भी लोग फोटो खिंचवाने लगे हैं। अब दोस्तों बात की जाए इस मूवी की पूरी दुनिया भर में क्रेज के बारे में। दोस्तों एक तरफ जहां हमारे हिंदुस्तान में पूरी मेहनत के साथ खुशियां मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में वहां के लोग डर के मारे छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। इस मूवी में आपको लगभग 200 से ज्यादा इंडियन आर्मी के रियल ऑफिसर और 160 से ज्यादा इंदौर फिजिकल एकेडमी के ट्रेंड स्टूडेंट यानी आर्मी स्टूडेंट देखने को मिलने वाले हैं। और इस मूवी में आपको रियल कर्नल ऑफिसर भी देखने को मिलेगी। मतलब समझ लो कि गदर 2 मूवी नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक परमाणु बम। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे ही ऊपर से कुछ नए अपडेट आते हैं हम आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।